बिहारी लाल की जय। खट्टा मीठा पानी, नींबू पानी, हींग पानी, इसका टैग ही नहीं है। ये शुद्ध देसी घी का घेवर अगर खाना है, हींग का फ्लेवर होता है ना सब्जी में, वो तो अल्टीमेट होता है। ये देखिए नान है, ये जनरली नान खिंचता है, और ये देखिए। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओजी एक्सपर्ट। वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। ब्रजभूमि में आपका स्वागत है। हम सुबह से घूम रहे हैं और आपको इतने सारे ऑप्शंस दिखा रहे हैं। भूख लग गई थी बहुत तेज़, हमें आज ढाबा फूड खाने का मन था और हम इसीलिए नवीन भैया को बोल रहे थे कि हमें किसी ढाबे पर लेकर चलो। नवीन भैया को भी याद आया कि प्रेम मंदिर के पास बहुत सारे ढाबे हैं। हमने चाट चौपाटी का भी नाम बहुत सुना था, हालांकि फ़ूड क्वालिटी अब उतनी अच्छी है नहीं उसकी। हमने वीडियो स्टार्ट भी कर दिया था वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर जो गंदगी मैंने देखी, इतना अनहाइजीनिक पूरा एम्बियंस और फूड दोनों ही, मेरा बिल्कुल मन ही नहीं हुआ खाना खाने का। इसीलिए फिर हमने भैया को बोला कि एंड में चलो, हमारे लिए तो भारतीय फूड ही बेस्ट है, क्योंकि देखिए हाइजीन से लेकर टेस्ट से लेकर हर चीज़ जब बेस्ट मिले तो फिर आई थिंक हमें दूसरा ऑप्शन ढूंढना ही नहीं चाहिए। तो चलिए, मिठाइयाँ तो हमने आपको दिखाई दी कि किस तरह से बन भी रही हैं देसी घी में, लेकिन इसके अलावा अगर आपको एक स्ट्रीट फूड खाना है या आपको थाली सिस्टम खाना है, तो हमने आपको कुछ ऑप्शन तो पहले दिखाए हैं, जिसमें हमने जगन्नाथ रसोई आपको दिखाई थी। मात्र 20 रुपए में आपको भरपेट खाना मिलता है वहाँ पर डेजर्ट के साथ। और इसी तरह से हमने एक अभी देखा इस बार अन्नपूर्णा, वहाँ पर आपको निशुल्क भोजन मिलता है। कुछ टाइमिंग्स हैं, एकादशी को वहाँ पर फूड नहीं मिलता है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात कि वहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड दिखाना पड़ता है, उससे एंट्री होती है और तभी आपको फूड मिलता है। लेकिन अगर आपको आराम से बैठ कर खाना खाना है तो दिस इज द बेस्ट प्लेस। हमारा स्पेशल ऑर्डर है दाल तड़का पनीर लबाबदार। यहाँ पर हमें इन्होंने बताया कि यहाँ का बहुत फेमस भी है, और साथ में रायता, बूंदी रायता, एक बटर नान, बटर रोटी, और सबसे स्पेशल है इनकी ये मिर्च। ये सुबह हमने ब्रेकफास्ट में भी खाई थी रॉयल भारती में, तो ये मिर्च तो खाना ज़रूर बनता है। हाँ जी, और खाने के टेस्ट के बारे में तो हम खाने से पहले भी बता सकते हैं कि बहुत डिलीशियस है, क्योंकि हम बहुत बार खा चुके हैं, और जब आप आएंगे ना तो आप भी यही कहेंगे। ये देखो, ये देखिए नान है, ये जनरली नान खिंचता है, और ये देखिए, तो ये मैदा की भी जो बेस्ट क्वालिटी होती है ना, ये वो है। और ये ठंडा भी खाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि गरम गरम ही खाना है। और स्वाद ये बहुत टेस्टी है, पनीर लबाबदार। अब हमने ऑर्डर किया है एक मिस्सी, देखिए क्रिस्पी, और पूरा ऊपर इसको गार्निश किया हुआ है, और साथ में लच्छा, लच्छे के देखिए क्या लच्छे दिख रहे हैं आपको, बढ़िया। फर्स्ट फ्लोर पर प्रॉपर रेस्टोरेंट है, और नीचे इतनी सारी बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ, आहा मुंह में पानी लाने वाली सब। यहाँ पर ये स्पेशलिटी यही है कि शुद्ध देसी घी में बनती हैं, और ऐसा हम इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि हमने इनकी फैक्ट्री भी विज़िट की हुई है, जहाँ पर ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो किस तरह से बनाई जाती हैं शुद्ध देसी घी में, वो भी हमने देखा हुआ है और आपको दिखाया हुआ है। चलिए कुछ पैकिंग करा लेते हैं अपने लिए। क्यों देखिए, यहाँ पर इवन मैं, अगर आप मुझे कहेंगे कि रेट्स तो हमने बताए नहीं है, यहाँ पर बहुत ही रीज़नेबल है। जिस तरह की मिठाइयाँ देहरादून में, जो देसी घी की मिठाइयाँ हैं ना, 1000 रुपये के ऊपर हैं, यहाँ सब 600-700 की रेंज में है। और इवन खाना भी जो हमने खाया वो बहुत ही रीज़नेबल, 250-300 इस तरह की रेंज में आपको यहाँ पर वेजिटेबल्स और नान रोटी जो भी हमने लिया, बहुत ही नॉर्मल प्राइस है ये।
तो आइए अब हम आपको अपना रूम भी दिखा देते हैं, क्योंकि रात को कल हम 12:30 बजे चेक इन हमने किया था, तो उस टाइम तो हम दिखा नहीं सकते थे, इसलिए थोड़ा सा अभी आपको मैसी लगेगा, लेकिन देखिए कितना वाइट ग्लास, ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पर। इन्होंने रूम्स में मैं बता देती हूँ, होटल रॉयल भारती की बात कर रहे हैं हम, जहाँ हम हमेशा रहते हैं और ये हमारा फेवरेट होटल है वृंदावन में। यहाँ पर आपको ये सुपर डिलक्स कैटेगरी हम दिखा रहे हैं जिसमें हम रह रहे हैं। सारे ही रूम्स इनके बहुत स्पेशियस हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं, और अभी कुछ रेनोवेशन के बाद मैं देख रही हूँ कि रूम्स में इंटीरियर में चेंज किया है इन्होंने, और रूम्स बहुत अच्छे हैं इनके, और स्टार्टिंग टैरिफ इज़ ₹4,500 प्लस GST इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जब आपको रहने आना हो, हमारा रेफरेंस देंगे तो आई एम श्योर आपको बेस्ट डील मिलेगी। शाम के समय मौसम हो गया बिल्कुल सुहाना, ठंडी हवा चल रही है यहाँ वृंदावन में, और ऐसे मौसम में घूमते घूमते थोड़ी सी चाट पकौड़ी हो जाए तो और मज़ा आ जाए। लेकिन हम खाएंगे गोलगप्पे, खट्टा मीठा पानी, नींबू पानी, हींग पानी, इसका टैग ही नहीं है। और देखिए यहाँ सामने माँ वैष्णो देवी के कितने सुंदर दर्शन हो रहे हैं। ये जलजीरा वाला का टैग नहीं है, ₹20 के 6 गोलगप्पे मिल रहे हैं। भैया कुछ डालना मत, सिर्फ पानी डालना, कुछ फिलिंग मत डालना उसमें, आलू वालू कुछ नहीं, ठीक है। सबसे अच्छी बात कि साइज़ एक्यूरेट है बिल्कुल, एकदम से बड़ा मुंह नहीं खोलना पड़ रहा है, छोटे छोटे से बने हुए हैं, ईजिली मुँह में आ जाते हैं। छोटा पीस करो। हाँ हाँ छोटा छोटा। हाँ ये तो लीक है पूरा। ये है सबसे पहले हींग पानी। हाँ जलजीरा भी खिलाओ। हींग का क्या फ्लेवर आ रहा है, मस्त। चाट पकौड़ी के बाद अब हम डिनर में खाने वाले हैं खिचड़ी। इसे ज़्यादा खा नहीं सकते अब। देखिए मिर्ची आ गई ना वापस से, वही वाली जो हमने लंच में खाई थी। तो खिचड़ी के साथ हमारी आ गई है दही, अचार, चटनी, पापड़ मिसिंग है ना आई थिंक, घी तो इसमें डला हुआ है तो और एक्स्ट्रा घी नहीं चाहिए, पापड़ मंगवाते हैं। पापड़ भी आ गया है रेडी, अब हम करते हैं इसको टेस्ट, क्योंकि खिचड़ी हर जगह टेस्टी बनती है लेकिन क्योंकि रॉयल भारती की है तो ऑफ कोर्स टेस्टी होनी बनती है। हाँ हाँ अदरक का फ्लेवर मेरे मुंह में आया। खिचड़ी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टेस्ट फ्लेवर एकदम से मुंह में आया वो था अदरक का, और ओवरऑल बहुत यम्मी है। और अब आप गेस कीजिए कि हम क्या खाने वाले हैं जिसके बिना हमारा खाना कंप्लीट नहीं होता है। ये देखिए गुलाब जामुन, इसको हम ना नहीं कहते लेकिन हाँ हम हाफ हाफ शेयर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा मीठा खाना हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। बहुत सुंदर दर्शन हो गए हमारे बाकी बिहारी जी के, और उसके बाद अब लगी भूख क्योंकि हम बहुत घूम के आए हैं, क्योंकि रूट्स इतने डाइवर्ट किए हुए हैं, वो तो हमने एक पॉइंट पे अपनी चप्पलें उतारी हुई थी तो हमें पता था कि हमें कहाँ जाना है, अदरवाइज़ ज़्यादातर लोग यहाँ पर गेट्स पर क्योंकि चप्पलें उतरवा देते हैं
और बहुत पहले, और वहाँ से पैदल जाना पड़ता है तो नंगे पाँव, इसलिए लोगों को पता ही नहीं चलता आधी बार तो कि हमने किस गेट पे चप्पलें उतारी थी। और रोज़ भैया बता रहे हैं कि यहाँ पर इतनी चप्पलें फेंकी जाती हैं क्योंकि लोग यही जो दर्शनार्थी होते हैं वो छोड़ जाते हैं, क्योंकि अब एक अगर एक जगह पहुँच भी गए किसी तरह से तो चप्पल लेने दूसरी जगह जाना पॉसिबल नहीं है। ये थोड़ी सी अव्यवस्था है कि रूट्स इतने ज़्यादा डाइवर्ट मुझे नहीं लगता करने की ज़रूरत है, इतनी भीड़ भाड़ नहीं है, लेकिन क्योंकि सिर्फ एक रास्ता खोला हुआ है मेन रास्ता जो है बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, इसलिए भीड़ ज़्यादा लग रही है। पर चलिए अब हम बात करते हैं खाने पीने की, क्योंकि एक बहुत ही स्वादिष्ट ऑप्शन नाश्ते के लिए, दर्शन करने आएंगे तो नाश्ता आसपास ही ढूंढेंगे आप क्योंकि भूख लग जानी है। तो यहाँ पर हम आए हैं रॉयल भारती फूड्स पर एक बार फिर से, और यहाँ आपको मिठाई से लेकर छोले भटूरे और जो बेड़े पूरी है जिसके बिना नाश्ता पूरा नहीं होता, हम अभी वही खाने वाले हैं, आपको भी दिखाएंगे। तो हमारा गर्मा गर्म नाश्ता रेडी है, छोले भटूरे और पूरी, हम एक एक यही शेयर कर पाएंगे। और साथ में हमने क्योंकि लस्सी ली है, मुझे पता है थोड़ी सी नींद आने वाली है लेकिन यहाँ की लस्सी बहुत डिलीशियस होती है। सबसे पहले हम सबके फेवरेट छोले भटूरे, पूरी देखो क्या खस्ता है एकदम, भटूरे से ज़्यादा खस्ता पूरी है। और इसमें जो हींग का फ्लेवर होता है ना सब्ज़ी में, वो तो अल्टीमेट होता है। वाह ये बेस्ट है, पूरियों से मन नहीं भर रहा लेकिन जलेबी देख के ना मन कर गया कि ये भी खाएं, इतनी पतली पतली क्रिस्पी क्रिस्पी। हाँ हाँ बहुत ही यम्मी है। और ये है देखो मलाईदार लस्सी, ठंडी ठंडी। ये ना देखो अब इतना सब हमने ये जो चटर पटर खाया है उसको डाइजेस्ट करने के लिए और थोड़ी सी कैलोरीज, कभी कभी तो चलता है। कल लंच में हमने घेवर बनते हुए देखा था इनका, तो इसीलिए अब घर के लिए कुछ पैकिंग भी करा रहे हैं, तो मिनी घेवर और पेड़े, पेड़े तो क्योंकि अब जाने ही है, प्रसाद भी है तो हमें पेड़े लेके जाने हैं यहाँ से। ये देखिए सारी मिठाइयाँ शुद्ध देसी घी की, तो देखिए कितना अच्छा हमने एक और ऑप्शन आपको बांके बिहारी जी के पास ही दिखा दिया, दर्शन करो पेट पूजा करो और फिर जाओ। तो यहाँ पे आप जब भी आएँ बेड़े पूरी हमारे कहने से ज़रूर खाएं, बाकी तो जो आपकी इच्छा है वो खाएं, और जलेबी बहुत ही यम्मी थी। इसी तरह के ऑप्शंस देते रहेंगे, ट्रैवल करते रहिए ओटी एक्सपर्ट सपना के साथ। जय माँ गंगे हर हर गंगे, बांके बिहारी की जय। जय माँ गंगे हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट।